राज्य अलग, भेष अलग। पंजाब पहुंचे राहुल गांधी अब लाल पगड़ी में देखे जा रहे हैं, जिसे पहनकर वो यात्रा में भी चल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं और फिर एक बार उनकी चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर पंजाब तक पहुंच चुकी है। यात्रा शुरू करने से पहले बुधवार सुबह गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब में मत्था टेका। इस दौरान राहुल गांधी पगड़ी पहने और आधी बाजू की टी शर्ट पहने नजर आए, जिसके बाद उनकी लाल पगड़ी की चर्चा भी सोशल मीडिया पर होने लगी। बहुत सारी तस्वीरें सामने आई। राहुल के साथ कांग्रेस की पंजाब इकाई के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और पार्टी के दूसरे नेता भी मौजूद रहे। राहुल ने अम्बाला जिले में यात्रा के हरियाणा चरण के समापन के बाद मंगलवार को अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में भी मत्था टेका था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार शाम को फतेहगढ़ साहिब के सरहिंद पहुंचे और रात को वहीं रुके। कड़ाके की सर्दी के बीच बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता यात्रा के लिए यहां एकत्र हुए थे। यात्रा के पंजाब चरण के कार्यक्रम के मुताबिक ये फतेहगढ़ साहिब में सरहिंद से शुरू होगी और मंडी, गोविंदगढ़, खन्ना, सानेवाल, लुधियाना, गोरिया, फगवाड़ा, जालंधर, दसुआ और मुकेरिया से होकर गुजरेगी। यात्रा के जम्मू कश्मीर में एंट्री से पहले 19 जनवरी को पठानकोट में पार्टी की एक रैली होगी। राहुल सुबह और शाम तीन तीन घंटे पैदल चलकर 25 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। खास बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा में अब तक पंजाब में राहुल गांधी को सबसे ज्यादा सिक्योरिटी दी गई है, जिसमें आगे पीछे और दोनों किनारों पर पंजाब पुलिस ने सुरक्षा घेरा बना रखा है। ऐसी सुरक्षा राहुल गांधी की यात्रा में अब तक देखने को नहीं मिली है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।